उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज संवाद के प्रायोजक है हैप्पी, यूज हैप्पी, फील हैप्पी। करनी सेना भारत की पूरी टीम की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आइए देखते हैं करनी सेना के संदेश। मैं सुमित प्रताप सिंह राणा, करनी सेना भारत प्रदेश प्रवक्ता गुजरात, आप सभी नगर वासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रि के पावन पर्व। कल जैसे कि आप लोग को मालूम है नवरात्रि का पावन पर्व स्टार्ट हो रहा है, चालू हो रहा है, तो मैं सभी देशवासियों से कहूँगा खूब धूमधाम से इस पर्व को मनाने का काम करें। और मैं आदरणीय माननीय प्रभारी हमारे अमित सिंह जी के नेतृत्व में एक वीडियो मैसेज देना चाहता हूं, जहां भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आवाज़ पहुंच रही है सब लोग धूमधाम से मनाएं। और आप लोग को भी बता दूं कि गरबा स्थल पर या कोई भी सार्वजनिक स्थल पर कोई ऐसा गीत ना बजाएं जिससे कि कहीं किसी भी प्रकार की न्यूसेंस क्रिएट हो। तो आप लोगों का ये पर्व है और आप लोगों की जिम्मेदारी है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलजुल कर इसको बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। और मैं पूरी करनी सेना भारत की टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को और पूरे देशवासियों नगरवासियों को एक बार नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी, जय भवानी। हम घनश्याम सिंह, करनी सेना भारत के गुजरात प्रदेश के महामंत्री। कल से पावन पर्व नवरात्रि का जो आ रहा है, इस पावन पर्व पर हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। माँ अद्याशक्ति का उपासना करके हम अपने परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। और ये नवरात्रि का 9 दिन का पर्व होता है, 9 दिन का उपासना होता है, 9 दिन का लोग यज्ञ यज्ञादि करते हैं। प्रथम च शैल पुत्री से लेकर के नवम सिद्धिदात्री तक 9 दिन तक 9 प्रकार की शक्तियों को हम अपने शरीर में, अपने परिवार में समावेश करते हैं। इससे पूरे साल हम बड़ा आनंदित रहते हैं, बड़ा प्रफुल्लित रहते हैं। और हम सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से, बलसाड़ जिले के सभी वासियों से और यह गृह नगर जो है वापी, यहाँ के सभी देशवासियों से, यहाँ के वासियों से हम आग्रह करते हैं, आप सभी लोग माता आद्याशक्ति का आराधना करें, अपने घर में स्थापित करें। और माता ने जो किया है वो हमें भी करना चाहिए। माता ने क्या किया है, एक दुष्ट को संहार करके एक धर्म का स्थापना किया है। उस स्थिति में, क्योंकि माता के लिए संसार जो है उनका पुत्र होता है, क्योंकि कुछ राक्षस जो महिषासुर वगैरह थे, चंडमुंड थे, बहुत सारे राक्षस थे, वो भी माता के पुत्र थे, लेकिन वो जो है आतताई हो गए और स्वजनों को कष्ट दे रहे थे, इसलिए माता ने उनका वध किया और धर्म की स्थापना की। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और पूरे वापी के वासियों से प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग माता जी का आवाहन करें, वंदन करें, पूजन करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। जय भवानी, जय श्री राम। मैं राजेश यादव, करनी सेना भारत गुजरात मंत्री, सनातन प्रकोष्ठ। कल से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, तो मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इसका हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ तथा अपने स्थानीय वापी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और बस जय जय माता जी, जय माँ भवानी। मेरे भाइयों, आपका छोटा भाई ग्रीस राजपूत, करनी सेना भारत उपाध्यक्ष गुजरात वापी। देश के सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ब्रिजेश सिंह, वापी अध्यक्ष, करनी सेना भारत। माँ दुर्गा अश्विन मास महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर 9 दिन तक उनसे युद्ध करती है और 10वें दिन महिषासुर राक्षस का वध करती है। इसलिए इन 9 दिनों को माँ शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किया जाता है। चूंकि अश्विन मास महीने से शरद ऋतु का आरंभ होता है, इसलिए इसे शरदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। शरदीय नवरात्रि के 10वें दिन माँ शक्ति ने महिषासुर का वध किया था और हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था।
इसलिए उसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। जय भवानी, जय श्री राम। मैं सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये हमारे माता का पावन त्यौहार है, कृपया करके इस पे अभद्र गाने बजाकर गरबा न किया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय